दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 में सीएसके की टीम ने दिल्ली कैपिटल को 78 रनों के बड़े अंतर से हराकर रोमांचक जीत दर्ज किया और इसी के साथ सीएसके की टीम ने प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेटेड पॉइंट टेबल और अपडेटेड ऑरेंज कैप पर्पल कैप लिस्ट बताएंगे, बस बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। दोस्तों चलिए जानते सबसे पहले अपडेटेड पॉइंट टेबल की। दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम 13 मुकाबले 9 मुकाबले जीत कर टोटल 18 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर वन के पैदान पर है। दोस्तों सीएसके की टीम 14 मुकाबले में 8 मुकाबले जीत कर टोटल 17 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर दो के पैदान पर है। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 13 मुकाबले में 7 मुकाबले जीत कर टोटल 15 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर तीन के पैदान पर है। उसके बाद आरसीबी की टीम 13 मुकाबले में 7 मुकाबले जीत कर टोटल 14 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर चार के पैदान पर है। उसके बाद राजस्थान रॉयल की टीम 14 मुकाबले में 7 मुकाबले जीत कर टोटल 14 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर पाँच के पैदान। उसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम 13 मुकाबले में 7 मुकाबले जीत कर टोटल 14 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर छह के पैदान पर है। उसके बाद केकेआर की टीम 13 मुकाबले में 6 मुकाबले जीत कर टोटल 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर सात के पैदान पर है। उसके बाद पंजाब किंग्स की टीम 14 मुकाबले में 6 मुकाबले जीत कर टोटल 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर आठ के पैदान पर है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम 14 मुकाबले में 5 मुकाबले जीत कर टोटल 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर नौ के पैदान पर है। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 13 मुकाबले में 4 मुकाबले जीत कर टोटल 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के रेस में नंबर 10 के पैदान पर है। और दोस्तों अब चलिए जानते हैं पर्पल कैप रेस के टॉप तीन गेंदबाजों के बारे में। इन गेंदबाजों ने लिए अभी तक सबसे ज्यादा विकेट। दोस्तों मोहम्मद शमी 13 मुकाबले 23 विकेट लेकर पर्पल कैप के रेस में नंबर वन के पैदान पर है। उसके बाद राशिद खान 13 मुकाबले में 23 विकेट लेकर पर्पल कैप के रेस में नंबर दो के पैदान पर है। उसके बाद युजेंद्र चहल 14 मुकाबले में 21 विकेट लेकर पर्पल कैप के रेस में नंबर तीन के पैदान पर है। और दोस्तों अब चलिए जानते हैं ऑरेंज कैप रेस के टॉप तीन बल्लेबाजों के बारे में। इन बल्लेबाजों ने बनाया अभी तक सबसे ज्यादा। दोस्तों आरसीबी के खिलाड़ी फैफ डुप्लेसी 13 मुकाबले 702 रन बनाकर ऑरेंज कैप के रेस में नंबर वन के पैदान पर है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल 14 मुकाबले 625 रन बनाकर ऑरेंज कैप के रेस में नंबर दो के पैदान पर है। उसके बाद डीवेन कॉनवे 14 मुकाबले में 585 रन बनाकर ऑरेंज कैप के रेस में नंबर तीन के पैदान पर है।